नमस्कार, नाशो खबर के खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं प्रज्ञा झा। आज के इस खास प्रोग्राम में हम फिर से मौजूद हैं हिम्स मेरठ में। यहाँ पर @72hours का कैंप लगा हुआ है और हर वक्त हम कुछ ना कुछ पेशेंट से नया सुनते हैं। आज कई ऐसी जानकारियाँ थी जिससे हमने पेशेंट से जानकारी ली, लेकिन आज इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं 23 जुलाई के बारे में। 23 जुलाई के बारे में पहले भी जिक्र हो चुका है और कई वीडियोस हमारे चैनल पर जा भी चुकी हैं। अब सवाल ये है कि 23 जुलाई को आखिर होने क्या वाला है, तो इसके बारे में जानकारी लेते हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू। ये सवाल सबसे बड़ा ये है कि 23 जुलाई के बारे में हम लोग बहुत सुन रहे हैं, काफ़ी पेशेंट से भी, काफ़ी लोगों से सुन लिया अभी तक हमने, आखिर ये 23 जुलाई को होने क्या वाला है? देखिए, हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। वैसे भी चंद्रशेखर आज़ाद जयंती है, बाल गंगाधर तिलक जयंती है वो दिन, तो इस दिन इसलिए संडे भी है उस दिन, तो वो हमने दिन चुना। 23 जुलाई को हम ये करने वाले हैं, ऐसी बीमारियां जिन्हें आपको बोला गया था कि ये लाइलाज होती हैं, जैसे क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट, अगर उनको एक बार बीमार पड़ गए, अगर डायलिसिस के चक्कर में पड़ गए तो बाहर नहीं निकल सकते, और जैसे डायबिटीज टाइप 1, जो इंसुलिन डिपेंडेंट छोटे बच्चे की इंसुलिन ज़िंदगी भर नहीं छूट सकता, या थैलेसीमिया के पेशेंट जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के चक्कर में पड़ गए तो ज़िंदगी भर ब्लड ट्रांसफ्यूजन छूट नहीं सकता, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जाना ही पड़ेगा, या ऐसे लोग जो कैंसर के आखिरी स्टेज पे है कि भाई अब तो मरना तय है। तो इस तरह के जो पेशेंट्स हैं, हमारे पूरे देश में ऐसे पेशेंट्स हैं ये वाले, जो पूरी तरह ठीक हो गए, वो भी जो ग्रैड सिस्टम आपने अपने वीडियो में कवर किया था, उसे ठीक है, घर बैठे उन सबको हर स्टेट से कम एक एक दो दो पेशेंट को हम बुला रहे हैं, हर स्टेट से, भारत के हर स्टेट से वो आएंगे 23 जुलाई को, और आएंगे और आके वो ऑडियंस से, मीडिया से, डॉक्टरों से, मेडिकल लॉबी से, हेल्थ मिनिस्ट्री से, आम इंसान से मिलेंगे अपने रिपोर्ट्स को लेके। तो बेसिक मकसद ये है कि ये जो दिमाग में एक कन्फ्यूजन है, क्या ये बीमारी ठीक होती है? हाँ, हमने वीडियो में तो देखा है नेशनल खबर में कि हाँ ठीक होती है, लेकिन क्या ये ही तो नहीं है? आप में से जो लोग, जिनके दिमाग में ज़रा सा भी शक है कि ठीक होती है कि नहीं, या हम जो बोल रहे हैं वो ठीक नहीं है, तो ये एक मौका है आपको स्क्रूटनाइज करने का, अपनी तसल्ली कराने का, सच और झूठ कितना है वो एक बार देख लेने का। तो जो लाइलाज बीमारियां होती हैं वो पूरी तरह क्योर हो सकती हैं। इस बात से ये भी हम बताना चाहते हैं, जो बीमारी उतनी गंभीर नहीं होती तो समझ जाइए कि वो कितनी आसानी से क्योर हो जाती होगी। तो ना केवल हम ऐसे पेशेंट से मिलाएंगे विद ऑल द रिपोर्ट्स, बल्कि उन्होंने क्या क्या किया वो अपने मुँह से बताएंगे। तो ये है पूरा जो आयोजन है उस दिन का। ये आयोजन कहाँ पर होने वाला है और लोग कैसे अब आप तक पहुँच सकते हैं? हाँ, ये आयोजन होगा LTG ऑडिटोरियम, इस वीडियो की तरह के थ्रू पहली बार मैं आपको बता रहा हूँ, LTG ऑडिटोरियम, ये सेंट्रल दिल्ली में है, और LTG इज ए वेरी फेमस प्लेस, हमारे पहले भी कार्यक्रम वहाँ हो चुके हैं जी। और 12 बजे से ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, 1 घंटे का कार्यक्रम है। और यहाँ पर आप लोग कैसे आ सकते हैं? बेसिकली सबको आने की ज़रूरत नहीं पहली बात तो, क्योंकि जगह लिमिटेड है। www.coronakal.tv में हमेशा की तरह लाइव होगा, 1-8 TV चैनल में भी लाइव होगा, वो आपको आगे बता देंगे आपके चैनल के माध्यम से। तो लेकिन ऐसे लोग जो मेडिकल लॉबी है उनको हम इनवाइट कर रहे हैं, जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उनको इनवाइट कर रहे हैं, जो इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स हैं जिन जो हमें शक की नज़र से देखते आए हैं उनको हम इन्वाइट कर रहे हैं, या जैसे जो मिनिस्ट्री या जो NGOs हैं जो किसी तरह से हेल्थ से जुड़े उनको इनवाइट कर रहे हैं जी। और आप में से वो लोग जो मेरे पेशेंट रहे हैं, जो आना चाहते हैं, तो वो लोग भी आ सकते हैं, लेकिन उनको आने के लिए अगर आप आना चाहते हैं तो bishrup.com/23rdjuly इस वाले लिंक में जाके आपको अपना आवेदन गूगल फॉर्म भरना है, फिर हमारी टीम आपको कन्फर्म करेगी कि आपका सीट बुकड है, आपको एक डिजिटल पास भेजेंगे, फिर आप भी आ सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स आर लिमिटेड, राइट। तो पहले प्रायोरिटी वाइज जिनको मैंने बताया वो आएंगे, मीडिया वाले को प्रायोरिटी देंगे क्योंकि उनकी माध्यम से ही खबर पहुंचेगी। तो हमने जो इन्वेंट किया वो जनता तक पहुंचाने के लिए, और अपना फेथ इस पे हो, इसके लिए कोशिश है ये, और एक आज़ादी का दिन मान लीजिए, हेल्थ आज़ादी बोल सकते हैं, और इससे अच्छा दिन और क्या हो सकता है? बिल्कुल।
बिल्कुल। अब सर, जैसे आपने जानकारी दी कि एक सक्सेस स्टोरी आप लोगों के सामने पेश करेंगे, नेशनल खबर के माध्यम से भी हम कर रहे हैं, विभिन्न माध्यमों से आप जो है चैनल्स लोगों तक पहुंचा रहे हैं सक्सेस स्टोरी को, लेकिन इसके पीछे क्या कारण हुआ कि आपको एक पूरा कार्यक्रम ही इस चीज़ को लेकर करना पड़ गया? देखिए, अब लगातार आप देख रहे हैं हज़ारों हज़ारों किडनी फेलियर पेशेंट ठीक हो रहे हैं, उनकी दवाइयाँ छूट रही हैं, डायलिसिस छूट रही है, वो डॉक्टर जाना छोड़ दिया, ये हजम नहीं हो पा रही मेडिकल लॉबी से, तो वो बार 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 या तो कभी अखबार में डाल देते हैं ये फ्रॉड कर रहे हैं, या तो कभी कोई पुलिस कंप्लेन ही कर देते हैं तो, या भ्रमित वीडियो बना देते हैं। तो यहाँ पे हमें रीएश्योर करने की ज़रूरत है, जनता को बताने की ज़रूरत है, जनता आप देखो आके सच क्या है, झूठ क्या है। तो एक अच्छा जो हमने इन्वेंशन किया है वो लोगों तक पहुँचने ना पाए, उसके कई लोग उसके पीछे षड्यंत्र कर रहे हैं। तो हालांकि आप कोशिश कर रहे हैं, आप वीडियोस में दिखाई रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वीडियोस काफ़ी नहीं है, फिजिकली भी मिलना ज़रूरी है। तो हम एविडेंसेस को सामने रखें ताकि जिनके मन में थोड़ी भी शंका है वो शंका क्लियर कर ले वंस फॉर ऑल। एक चीज़ आपने ग्रैड सिस्टम के बारे में जिक्र किया, और इसके एक वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं, रिपोर्ट दिखा चुके हैं कि IIT द्वारा जो है इस ग्रैड सिस्टम को अप्रूव किया गया है, इस पूरे उसको, तो उसके उसका आगे का फ्यूचर क्या प्लान किया गया है? IIT ने इंटरेस्ट शो किया, अप्रूव नहीं किया। हाँ, IIT ने क्यूरियसिटी शो की, इंटरेस्ट शो किया। अभी जो कॉन्क्लेव था, वन डे कॉन्क्लेव ऑन टेक्नोलॉजी फॉर सोसाइटी, उसमें मैं मुझे कीनोट स्पीकर बनाया गया, तो मैंने ये ग्रैड सिस्टम का कॉन्सेप्ट उन पेश किया कि हॉट वाटर इमर्शन, हेड डाउन टिल्ट एंड DIP डाइट जब कोई करता है, किस तरह से हमारा स्किन थर्ड किडनी बन जाता है और बॉडी के अंदर जो भी खराबियां हैं वो कैसे बाहर आती हैं। तो वो बहुत सराहाया उन लोगों ने, और IIT के प्रोफेसर्स ने, और अलग अलग IIT के डायरेक्टर्स आए हुए थे, और मेरे जो इंजीनियरिंग कॉलेज है पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, वहाँ के डायरेक्टर आए हुए थे। और अगला ये था उनका स्टेप कि वो एक टीम बना के हमारे हिम्स डेराबसी में आएंगे और आके फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेंगे, देखेंगे, समझेंगे, और हो सके तो यही सिस्टम IIT के कैंपस के अंदर ही इम्प्लीमेंट करेंगे, हेल्थ एक्सीलेंस का कोई सेंटर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो देश का इतना प्रीमियम जगह से अगर क्यूरियोसिटी आ रही है तो आपके लिए बोलना चाह रहा हूँ, समझ लीजिए कुछ अच्छा हो रहा है, बिल्कुल कुछ हटके इसमें ज़रूर होगा। अच्छा, बस आखिरी सवाल आपसे होगा मेरा कि जो व्यूअर्स देख रहे हैं, जो आपके चाहने वाले लोग देख रहे हैं, उनके लिए आपका मैसेज क्या है? मैसेज बहुत सिंपल है। देखिए, बहुत मुश्किल मुश्किल बीमारियों के बहुत आसान सोल्यूशन हो सकते हैं, इस बात पर आप विश्वास कीजिए, लेकिन वो आसान सोल्यूशन आप तक नहीं पहुँचे इसके लिए भी षड्यंत्र हो सकता है या होता है, ये बात को मान के चलिए। ऐसे षड्यंत्र ना हो, इन षड्यंत्र होने वालों को हम रोक पाएँ, एक्सपोज कर पाएँ, इसी के लिए ये कोशिश है। जो लोग ऑलरेडी मेरे पेशेंट्स हैं और जो ठीक हो चुके हैं, तो उन्हीं में से कुछ लोग आ रहे हैं, तो बाकी सबको आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सबको इस अवेयरनेस को फैलाने की ज़रूरत है, ताकि जिस मेथड से आप ठीक हुए हैं वो मेथड किसी के रोकने से रुके ना, और उस मेथड का लाभ बाकी लोगों को भी मिले। तो इस दिशा में आप सब अगर काम करेंगे तो वो हेल्प होगी, मेरे लिए तो हेल्प होगी ही मेरी, लेकिन ह्यूमैनिटी की हेल्प होगी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, इस खास जानकारी के लिए, लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, गंभीर बीमारी भी ठीक हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर PRC जी। 23 जुलाई को जो खुलासा होने वाला है इसके बारे में तो आपको जानकारी मिल ही चुकी है, और जहाँ पे होने वाला है इसके बारे में भी जानकारी मिल चुकी है। तो अगर आप अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं तो हो सकता है कि उस तारीख को आपको ये समझ आ जाए कि गंभीर से गंभीर बीमारी, उसके लिए आपको सालों तक दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, हॉस्पिटल्स तक जाना पड़ता है, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत ना पड़े। और ऐसे ही और साक्षात्कार के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।